नमस्कार, बीसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ अंकिता, और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आज गुरुग्राम के जाने माने उद्योगपति पंकज ग्रोवर ने अपने साथियों संग शिक्षा जगत में एसटीसी पब्लिशिंग हाउस के नाम से एक नई कंपनी की शुरुआत की। पंकज ग्रोवर ऑटो जगत का एक जाना माना नाम है, जिन्होंने ऑटोमोबाइल सेक्टर में बीते 20 वर्षों में अपनी कंपनी शिवा टर्न कंपोनेंट के द्वारा एक अलग पहचान बनाई है। आज इनकी कंपनी का नाम इनके द्वारा बनाए जा रहे ऑटो सेक्टर के प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता और विश्वसनीयता के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। आज अपनी इस नई कंपनी के शुभारंभ के अवसर पर पंकज ग्रोवर ने बताया कि बचपन से ही उनके मन में शिक्षा जगत में कुछ बेहतर करने की एक चाह थी, जिसे आज समर्थ होने पर उन्होंने पब्लिशिंग हाउस के जरिए पूरा करने का अवसर बनाया। उन्होंने बताया कि वह इस पब्लिशिंग हाउस के माध्यम से भारत में शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को और बेहतर और प्रभावशाली तरीके से बच्चों के बीच में ले जाना चाहते हैं, ताकि हमारे देश को एक बेहतर कल में मील का पत्थर साबित होने वाले हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया जा सके और उन्हें एक बेहतर नागरिक बनाया जा सके, जो पूरी तरह शिक्षित हो और एक स्वच्छ समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। आज हमने अपने एसटीसी ग्रुप ऑफ कंपनी में एक नई कंपनी की शुरुआत की है, जिसका नाम एसटीसी पब्लिशिंग हाउस है। ये जो हमारे साथ दो साथी हैं, इसमें जिनको 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है मार्केटिंग में और पब्लिशिंग हाउस में, इसमें हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि बड़े सरल और प्रभावशाली तरीके से बच्चों तक हम शिक्षा को दें और उनको शिक्षित करें। हमारी बुक्स ऑल ओवर इंडिया में जाएंगी। हमारा टारगेट है कि हम इसको जल्द से जल्द ऑल ओवर इंडिया में दें, और ताकि बच्चे जल्द जल्दी इसमें शिक्षित हों। हमारा ये लक्ष्य है कि शिक्षा के जगत में एसटीसी पब्लिशिंग हाउस का अपना एक नया आयाम हो, और हम इस कंपनी के लिए जो हमने सोचा है हम वो करें, और हमारा मेन लक्ष्य ये है कि हर बच्चे को हम शिक्षित करें। हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो हमने बुक्स हैं, जो हमारे ऑथर्स हैं और जो हमारे साथ एक्सपीरियंस हमारे साथी हैं, उनको 20 से 25 साल से इन चीज़ों का एक्सपीरियंस है इन शिक्षा के माध्यम से, तो हम उनके लिए हमने जो लक्ष्य लिया है वो लक्ष्य यही लिया है कि हम चीज़ों को इस हिसाब से करें कि हर बच्चे को सरलता तरीके से इसको समझ आए। दिल्ली से बीसीएन न्यूज़ के लिए ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। सोमवार को जयसिंहपुर विकास खंड की सभागार में अखिल भारतीय प्रधान संगठन द्वारा प्रधान संघ जयसिंहपुर के गठन हेतु सभागार में विकास खंड के समस्त ग्राम प्रधानों की सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर निर्विरोध सत्यम भामा सिंह प्रधान बहुद्दीनपुर को चुना गया। यह चुनाव अखिल भारतीय प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष दीपेंद्र कुमार सिंह की उपस्थिति में कराया गया। इसी क्रम में ब्लॉक प्रभारी सत्यप्रकाश पांडे, कोषाध्यक्ष मशरूम आलम, महासचिव आनंद कुमार मिश्रा, सचिव कुलदीप यादव, उपाध्यक्ष रौनक सिंह, मीडिया प्रभारी राकेश सिंह, सह मीडिया प्रभारी राजीत राम वर्मा एडवोकेट चुने गए। अखिल भारतीय प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष दीपेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम प्रधानों को गाँव में विकास कार्यों सहित अन्य समस्याओं के समाधान के लिए व्यापक अधिकार मिला हुआ है। यदि इनके हितों पर चोट होती है तो उसकी रक्षा के लिए अखिल भारतीय प्रधान संगठन हमेशा तत्पर रहेगा। इस मौके पर बजरंग बहादुर सिंह प्रधान प्रतिनिधि और प्रधान संघ अध्यक्ष रमन सिंह, शैलेंद्र सिंह प्रधान बासगांव, सुरेंद्र सिंह प्रधान माधवपुर छतोना, प्रधान आदेश सिंह, सुनील कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। प्रधान संघ का चुनाव हुआ है और पूरे जनपद में हो रहा है, मैं तो ये कहूँगा कि पूरे प्रदेश में प्रधान संघ का संगठन चल रहा है। साथ में हमको इस बार युवा टीम देखने को मिल रही है, तो किस तरह से युवा इस बार विकास करेंगे? युवा वर्ग की जहाँ तक बात है, आज के जो मोदी जी के भी हम लोग कदम रहे हैं, वहाँ से सारी चीज़ें युवा ही वर्ग सारा चीज़ ब्लॉक स्तर से देखिए और मुख्यमंत्री स्तर तक सारी चीज़ युवाओं के हाथों में जा रहा है, और युवा वर्ग जो है वो पूरे उत्साह से अपना पूरा कार्य कर रहे हैं। और जहाँ तक प्रधान संघ की बात है, प्रधान संघ हम लोग संगठन में जुड़ रहे हैं, जो ग्राम सभा से जो छोटी चीज़ें हैं वो ऊपर तक पहुँच सकें, जो मुख्यमंत्री तक या ऊपर प्रधानमंत्री तक जो चीज़ें नहीं पहुँच पा रही हैं, उन सब चीज़ों के लिए संगठन हम लोगों के लिए एकत्रित कर रहे हैं, और हर बात छोटी से लेकर बड़ी बात को लेकर हम लोग ऊपर तक जाएंगे और अपने संगठन को मजबूत करेंगे। आज प्रधान संघ अध्यक्ष जयसिंहपुर का चुनाव हुआ है, जिसमें आपकी माता जी को प्रधान संघ का अध्यक्ष चुना गया है और आप उनके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं।
तो किस तरह से इस ब्लॉक को आगे देखने को मिलेगा आपकी माता जी को प्रधान संघ अध्यक्ष चुने जाने के बाद विकास कार्य? सबसे पहले तो मैं सभी प्रधानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि मेरे माता जी को जिले तक कोई भी कार्य रुकावट आती है तो मैं उसमें साथ जाऊंगा। प्रधानों को जो शोषण हो रहा है आजकल दिख रहा है, उसके प्रति आप प्रधानों क्या करेंगे? शासन द्वारा क्या? शासन द्वारा हम लोग देश तक जाएंगे, मुख्यमंत्री का निर्देशन देंगे, धरना देंगे। दिल्ली के जनता मंदिर पर यूपी बिहार हरियाणा से आए दिहाड़ी प्रवासी मजदूरों ने एक ठेकेदार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जब हमारे संवाददाता ने उनसे बात की तो मजदूरों ने बताया कि वह 1.5 साल से एक ठेकेदार के यहां काम कर रहे थे, लेकिन पिछले 4 महीने से उसने हमें कोई काम नहीं दिया और ना ही हमारे काम का पैसा दिया, ना ही आगे काम दिया जा रहा है। 4 महीने से लगातार सिर्फ कुछ पैसे देकर बहलाया जा रहा है, लेकिन जो हमारी पूरी पेमेंट 10 से 12 लाख रुपए है वह अभी तक नहीं दी गई है, जिसको लेकर आज हम जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने आए हैं और केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और हमारी मेहनत की कमाई मिलनी चाहिए। जिसके बाद वह एडवोकेट बम बम महाराज के पास पहुंचे और उनसे कानून मजदूरी दिलाने की गुहार लगाई, जिसके बाद हमने जब वकील साहब से बात की तो उन्होंने बताया कि हमने एक नोटिस डाला था जिसका जवाब अभी तक नहीं आया। मेरा नाम प्रवीण कुमार है। प्रवीण जी, कहाँ से हैं आप? मैं हरियाणा से हूँ। कितनी लेबर थी आपकी? मेरे कम से कम यहाँ से 20-25 लेबर चली है कंटिन्यू। आपके साथ भी यही घटना हुई है? मेरे साथ भी यही घटना हुई। क्या नाम है ठेकेदार का? ठेकेदार का नाम है अजीत सिंह बालियान। अच्छा, बालियान मतलब एक ही ठेकेदार है? हाँ, एक ही ठेकेदार है। साथ ये कर रहे हैं? सबके साथ इन्होंने बहुत बुरा व्यवहार किया है। सब पेमेंट होगी कंफर्म आपकी? कम से कम 10 लाख के करीब होगा। अच्छा, तो क्या कह रहे हैं आप, मांगते हैं? यही मांगते हैं कि हमारे लेबर की पूरी पेमेंट कर दी जाए, हमें परेशान नहीं किया जाए। 5 महीने से हमने काम खत्म कर दिया है, चक्कर लगा रहे हैं ऑफिस के, फोन कर रहे हैं फोन नहीं उठा रहे, बदतमीजियाँ की जा रही है हमारे साथ, हमारे को धमकी। किस तरीके की बदतमीजी और धमकी दी जा रही है? ये कहा जा रहा है कि यदि आप कोई एक्शन लिया लोगे तो आपके खिलाफ पुलिस इंक्वायरी करवा देंगे, पुलिस केस कर देंगे, ऐसी धमकियाँ दी जा रही है। और हमारे जो साथी जमादार है, एक को तो इन्होंने पीटा भी है, सोहेल खान है जिसने अभी बताया है, और उसके बाद एक एवल है। क्या लगता है, दबंग टाइप का है क्या ठेकेदार? दबंग टाइप का है, वो अपनी दबंगगिरी दिखा रहे हैं। अच्छा। वो कह रहा है कि आप कुछ भी कर लो, मैं आपको पैसे नहीं देंगे। तो आपकी मांग क्या है, क्या कहना? हमारी मांग ये है कि जो हमारे मजदूर भाई हैं सभी को पैसा दिया जाए, सभी को काफ़ी टाइम से परेशान किया गया है और उन्होंने हमारे साथ काफ़ी धोखा किया है। इन्होंने हमें लेबर सप्लाई का काम देगा, जमादारी का, इन्होंने न तो हमें ESIPF दी, कुछ भी नहीं दिया। इन्होंने हर चीज़ धोखे में रखी, ये कॉन्ट्रैक्ट बनाते रहे अलग अलग कि हम ऐसे काम करेंगे, आप इस पे ऐसे कर दो, बुला चुपला के इन्होंने गलत वलत जगह साइन करवाए और बाद में कह रहे कि आपका तो कॉन्ट्रैक्ट वेस्ट भी है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट वेस्ट भी नहीं था, हम लेबर सप्लाई में मजदूर आदमी, हम मजदूरी करने गए थे, उन्होंने कहा हमें टीम चाहिए, हमने मिलकर टीम दी इनको, इन्होंने हमारे साथ धोखा किया और परेशान किया, इतना हरेसमेंट कर दिया, हम बता नहीं सकते, इतनी टेंशन में है। 4-5 महीने हो गए, बहुत बुरा हाल है, सारी लेबर परेशान है। आज लॉकडाउन में भी लॉकडाउन लगा, इन्होंने कुछ नहीं दिया, कोई सहायता नहीं कि हमारी 2 बार लॉकडाउन लग चुका है, पोल्यूशन हुआ, जब भी काम बंद रहा तब भी इन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया हमारा। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम विक्रम सिंह है। विक्रम जी, कहाँ से हैं? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, बस्ती जिले से। ये सभी लोग आज जंतर मंतर पे आए हैं, क्या समस्या है आपकी? समस्या सर यही है कि हम 1 साल पीछे काम किए थे एमरेंटोस इंफ्राटेक में, तिमारपुर DRDO में, और वहाँ हमें एक मतलब 4 महीना पहले काम ख़त्म कर दिया गया, और 4 महीने से हमें डेली टरकाया जा रहा है। किस ठेकेदार के अंडर में काम करते थे आप लोग? अजीत बलियान। कहाँ के हैं अजीत बलियान? अजीत बलियान सर उनका एड्रेस नहीं, लेकिन ऑफिस जानता हूँ, सेक्टर 63 में है। अच्छा, तो कितने महीने से काम कर रहे थे? सर काम तो हमने 1 साल किया है। उनको पहले से जानते थे कि अभी? नहीं, पहले से नहीं जानते थे हम। अच्छा, अचानक से मिले वो? अचानक से, मैं सर DRDO में था, आया था एक काम के सिलसिले में, तो ऐसे मुलाकात हो गई थी, फिर बोले हमारे यहाँ काम करवा लो, तो हमने अपनी लेबर लेके हम साथ मिलके और हमने काम किया। कितनी लेबर काम करती थी साथ में तुम्हारे? सर हमारे साथ 17-18 लेबर थी। तो कितने महीने के पेमेंट रुक रही है? सर लगभग मान लो कि 8-9 महीने का पेमेंट है सर। बात करते हैं तो क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं कि करवा देंगे ऐसे ऐसे करके 4 महीना बीत गया हमें बैठाए हुए काम। 4 महीने से पैसा मिला है आपको? कुछ नहीं मिला सर, 1 रुपया नहीं मिला है। आप बोल रहे खर्चा मिला हमें खाली? सिर्फ खर्चा देते थे वो, लेकिन 4 महीने से खर्चा भी नहीं दिया है। कितना पैसा रुक रहा है? सर लगभग मेरा होगा कोई 8-10 लाख रुपए होंगे सर, सारा हमारे लेबर का। उसके बाद आप कहाँ न्याय मांगने गए हैं?
सर न्याय हम बम्बम महाराज जो हमारे वकील साहब इनसे मुलाकात हुई, मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि सर ऐसी सी प्रॉब्लम है, फिर ये बोले ठीक है समाधान होगा, कानून भी है इस देश में तो पालन किया जाएगा उसका भी होगा। क्या मांग कर रहे हैं आप? मांग यही कर रहे हैं सरकार से और सब लोगों से या कंपनी से कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी पेमेंट कराया जाए। बहुत बुरा स्थिति है और घर की स्थिति इतनी ख़राब हम लोगों की मैं क्या बताऊँ। अगर साल भर से कोई काम करता हो और डेढ़ साल हो गए मुझे, यानी 4-5 महीना मुझे काम ख़त्म किया हो गया और पैसा ना जाए घर पर, तो क्या स्थिति हो सकती है? बहुत ख़राब स्थिति हमारी और मैं यही मांग करता हूँ कि पेमेंट हमारा कराया जाए। साथ ही वकील साहब ने बताया कि उन्होंने धमकी भी दी है कि अगर तुम लोग हमारे खिलाफ कार्रवाई करोगे तो अच्छा नहीं होगा। क्या है असली मुद्दा जानते हैं उन मजदूरों की जुबान से। क्यों मारा था? शोएब नाम है। मैंने जी पैसे मांगे सर, मैंने कि कुछ पैसे दे दो, घर की हालत खराब है, माँ का पैर टूट गया मेरी 3 जगह से। मैंने बोला था सर कुछ पैसे दे दो। कहाँ था? यहीं था बाहर? नहीं, ठेकेदार घर पे चले गए थे अपने, तो मैंने बोला था उनसे, तो उन्होंने फिर मेरे लिए धमकाया भी और लठिया लेके मेरे ऊपर के लिए भाग के पड़े कि जा रहा है नहीं जा रहा है यहाँ से, किस चीज़ के पैसे मांग रहा है। मैंने कोई पैसा नहीं है मेरे पास में तेरा, कुछ भी काम नहीं किया है तूने मेरे पास में, है तो मैं रोता रहा वहीं पर कुछ देर। फिर मैंने ठेकेदार से बात करी तो ठेकेदार कहना कोई बात नहीं है बेटा तुम आ जाओ और मैं बात करता हूँ उनसे। उसके बाद में फिर कोई पैसा ही नहीं दिया उनके, नहीं ठेकेदार ने बात की, उन्होंने कहा कोई पैसा नहीं है मेरे पास में आपका। ये मजदूर जब मेरे पास में 16 तारीख या 15 तारीख के आसपास आए थे, तो 17 तारीख को हमने कार्रवाई की, लगभग राष्ट्रपति जी से लेकर नीचे SHO तक को 26 जगह हमने कागज़ भेजा। खुद जाकर DRDO में जाके मिल के बात करना चाहा, लेकिन DRDO वाले अटेंड नहीं किए। फिर हमने फ़ोन पर भी LL से बात की, तो नतीजा अब तक संतोषजनक नहीं रहा। लेकिन जब मैं कार्रवाई किया और स्पीड पोस्ट इनको LL को मिल गया, तो LL ने धमकी दिया कि हम 2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा करेंगे। मतलब पैसा देने की मजदूरी देने के बजाय, ठेकेदार को दबाव देने के बजाय, वो हमें भी मजदूरों को धमकाने लगे। एक मजदूर इन लोगों में है जिसको कि हमारे आने से पहले ठेकेदार के आदमी ने मजदूरी मांगने के लिए मारा है, और आगे हमारा कार्रवाई जो है सड़क से संसद तक जो है वो तो चलेगा। क्या लगता है आपके थ्रू इनकी मांग पूरी हो पाएगी? बेचारे मजदूर हैं परेशान। ये हमारे थ्रू ही मांग पूरी होगी इनकी, क्योंकि मैं आज तक हजारों मजदूरों का, हजारों केस का सॉल्व किया हूँ, और ख़ास करके कंस्ट्रक्शन लाइन में तो कम से कम समय में अगर किसी मजदूरों को हक हम दिलाते हैं तो वो अटल जनशक्ति पार्टी के माध्यम से समाजवादी लेबर फ्रंट और बम्बम महाराज नौटिया ही दिलाता है। दिल्ली से BCN न्यूज के लिए संवाददाता ब्रिजेश कुमार की रिपोर्ट। आज ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 4 में नरेंद्र मोदी विकास मिशन चलो गांव की ओर राष्ट्रीय अधिवेशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार विद्यार्थियों और मुख्य अतिथि के रूप में परमहंस डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज, राष्ट्रीय संगठन सचिव बाला साहिब पांडे, राष्ट्रीय संगठन सचिव मंटू कुमार शर्मा और सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में परमहंस डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज जी का फूल माला से सभी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इसी बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार विद्यार्थी ने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकास योजना धरातल पर नहीं उतर रही है। जिन लोगों को विकास योजना का लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है, उसका कारण सिर्फ यही है कि विकास योजना का लाभ सिर्फ बिचौलिए ही खा रहे हैं। बाकी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के बारे में सोच रहे हैं। अध्यक्ष संजय झाड़ू का आज दिल्ली में, दिल्ली प्रदेश में जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, जिला की, प्रदेश की राष्ट्रीय कमेटी की जो मीटिंग हुई है, जिसमें सारे भारतवर्ष से प्रदेश अध्यक्ष 27 राज्यों से प्रदेश अध्यक्ष आए हैं। मैं महाराष्ट्र अध्यक्ष संजय झाड़ोकर, प्रेसिडेंट ऑफ तमिलनाडु, नरेंद्र मोदी विकास मिशन। चलो, आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी टू एंजॉय दिस फंक्शन, रियली वेरी हैप्पी and all thanks media people and all leaders of all India, leaders of Modi Vikas Mission leaders, really very very thanks, lot of thanks. सबसे पहले तो मैं नरेंद्र मोदी विकास मिशन चलो गांव की ओर से या सभी चैनल के माध्यम से चली मीडिया बंधु को धन्यवाद देना चाहता हूं, और साथ में हमारे महाराज जी का आशीर्वाद है, महाकाल उज्जैन बाबा की नगरी से आए। मैं यही कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी विकास मिशन चलो गांव की ओर से कि सबका साथ सबका विश्वास तभी उठेगा, भ्रष्टाचार ये नारा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिया गया है, ये साक्ष तभी होगा जब हम गांव की ओर जाएंगे, पंचायत की ओर जाएंगे, टोला में जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो विकास योजना अब तक लागू हुआ है,
विगत 7 साल होने जा रही है, धरातल पर तो नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी की विकास योजना जो लागू हुई है वे विरोधी बिचौलिया दलाल सिस्टम प्रशासनिक पदाधिकारी का सिस्टम सभी मिलकर बंदर बाट करने का काम कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है हमारा देश विकसित हो, हमारा देश में गांव की ओर, गांव की समस्या समाधान जिला प्रशासन की ओर। मैंने तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी को मैंने कहा सर्किट हाउस में कि आप सप्ताह में सभी अपने वरीय पदाधिकारी BDO CEO तमाम जनचलाधिकारी जो भी पदाधिकारी सबको सप्ताह में 2 दिन गांव पंचायत की ओर जाने के लिए आह्वान करें और उनकी समस्या को समाधान लेकर आपके पास आए, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के दायित्व को वहां तक पहुंचाने का काम करें, यही नरेंद्र मोदी विकास। हाँ, इस पर हमारा जितने मिशन परिवार के पदाधिकारी अब तक जो है 23 राज्यों में काम कर रही है, मैं अपने मिशन पदाधिकारी को सैल्यूट करना चाहता हूं कि निस्वार्थ भाव से अपने तन मन धन लगाकर गांव के बीच जनता के बीच जाते हैं और प्रधानमंत्री की विकास योजनाओं को समझाने का काम करते हैं। जैसे इंदिरा आवास हो गया, प्रधानमंत्री योजना आवास हो गया, जितने भी योजना है सबको समझाता है और तमाम वहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी को समझाता और कहता है ब्लॉक में और जिला में जाकर कि फलना गाँव फलना पंचायत में फलना प्रखंड में अभी तक ये योजना लागू नहीं हुई है, उसको लागू करवाने के लिए नरेंद्र मोदी विकास मिशन प्रशासन को बाध्य कर देती। मैं जान रहा हूं कि चोर है, लेकिन चोर को पकड़ने के लिए जब तक वहां डर पैदा नहीं करेंगे चोर कभी नहीं भागेगा। माननीय प्रधानमंत्री आज डर पैदा कर दिया है, आप देख रहे हैं कि आप पूरे विश्व में हमारे प्रधानमंत्री को विश्व गुरु मान रहा है, पूरे आतंकवाद डर रहा है, इसी तरह भ्रष्टाचार में डर पैदा करना पड़ेगा, वहाँ के प्रशासन में डर पैदा करना पड़ेगा, वहाँ के मुख्यमंत्री मंत्री में पैदा करना पड़ेगा, वहाँ का जनप्रतिनिधि विधायक में पैदा करना पड़ेगा, वहाँ का मुखिया वहाँ का पंचायत समिति वहाँ का वार्ड कमीशन में डर पैदा करना पड़ेगा कि तुम गलत लोगों को द्वारा जो योजनाओं को चौपट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को बदनाम कर रहे हैं, वैसे कोई व्यक्ति हो, किसी समाज के हो, किसी दल को हो, उसको नरेंद्र मोदी विकास मिशन किसी भी परिस्थिति में छोड़ने नहीं जा रहा है। और आज 23 राज्य नहीं 27 राज्यों में आपका गठन हो गया है, ये भारत का पहला संगठन है जो 4 वर्षों में एक बार में 27 राज्यों में गठन करके प्रदेश अध्यक्ष निकाय, किसी भी राजनीतिक दल का प्रदेश अध्यक्ष 27 राज्यों में भाई साहब नहीं है, आप जानकारी लो। और आज यहाँ युवा दिल्ली का युवा देखिए, दिल्ली का युवा अध्यक्ष बबलू कुमार, दिल्ली का युवा मंच का। लेकिन जो देश के गद्दार है गद्दारी करके योजनाएं उन लोगों तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं जिनको इसकी बहुत जरूरत है और जिनके लिए प्रधानमंत्री ने यह योजना बनाई है। विनोद कुमार विद्यार्थी ने कहा कि इस पर हम अभियान चला रहे हैं और जितने भी ऐसे लोग हैं उनको उखाड़ फेंकने का काम नरेंद्र मोदी विकास मिशन चलो गांव की ओर से कर रहा है। और क्या कुछ कहा मीडिया के सामने तमाम लोगों ने इस रिपोर्ट में देखिए। चलो गांव की ओर ये नरेंद्र मोदी विकास मिशन का आधार वाक्य है, उद्देश्य है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनोद कुमार जी विद्यार्थी जो कि आप देख रहे हैं आपको बहुत ही ऊर्जावान है और मैं जहां तक समझता हूं कि इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी मोदी जी की सरकार की सफलता के लिए नरेंद्र मोदी विकास मिशन एक नीम का पत्थर साबित हो सकता है। चूंकि योजना बनाना एक अलग विषय है लेकिन योजनाओं को पात्रों तक और वो भी सुपात्रों तक पहुंचाना एक अलग विषय है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को यानी सरकार की योजनाओं को चाहे वो केंद्र सरकार हो अथवा प्रदेश सरकारें हों उन योजनाओं को गाँव तक पहुँचाना आखिरी व्यक्ति तक पहुँचाना ये नरेंद्र मोदी विकास मिशन का उद्देश्य है। और इस उद्देश्य से मैं जहाँ तक समझता हूँ कि लोक कल्याण होगा, उन वंचितों को उन गरीबों को उन हितग्राहियों को लाभ पहुँचेगा जो सच्चे अर्थों में उस लाभ को लेने के पात्र हैं सुपात्र हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी विकास मिशन वर्तमान समय में भाजपा का नाम रोशन करने के लिए एक ऐसा दीपक जला रहा है गांव-गांव और घर घर में जो कि पूरे देश को एक दिन रोशन करेगा और माननीय मोदी जी को इसी न्यूज के लिए दिल्ली से संवाददाता ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। SP के निर्देश पर बारसोई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दालखोला से कटिहार आ रहे भारी मात्रा में शराब बरामद की है। बारसोई भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ चालक सहित एक शराब तस्कर गिरफ्तार किया गया है।
गुप्त सूचना के आधार पर थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार के द्वारा मोलनापुर ब्रिज पर छापेमारी अभियान चलाया गया। इस बीच होंडा सिटी कार को मोलनापुर ब्रिज के समीप रोका गया, लेकिन चकमा देकर वह भाग निकला। पुलिस ने गाड़ी का पीछा कर रातस चौक पर गाड़ी रोक कर चेक किया। गाड़ी के तहखाने से 166 लीटर विदेशी शराब के साथ दिल्ली नंबर के होंडा सिटी कार सहित चालक और एक शराब तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इनरवील क्लब ऑफ उरई कल्याणी द्वारा आयोजित 2 दिवसीय स्वावलंबन शिविर का समापन जिला कारागार उरई में हुआ। शिविर के द्वितीय और समापन दिवस का आरंभ दीप प्रज्वलन और इनरवील प्रेयर के साथ हुआ। इस अवसर पर जेल अधीक्षक सुनील कुमार के साथ प्रेसिडेंट अरुणा सक्सेना भी उपस्थित रही। शिविर में प्रशिक्षक शेखर और रोहित विनायक द्वारा महिला कैदियों को हैंडमेड पेपर द्वारा कल जो पेपर बैग, फाइल कवर, फोल्डर आदि के बनाने का प्रशिक्षण दिया गया था, उसके फलस्वरूप आज महिला कैदियों द्वारा बनाए गए फाइल और फोल्डर्स का प्रदर्शन भी किया गया। जेल अधीक्षक सुनील कुमार ने इनर व्हील क्लब ऑफ उरई कल्याणी के इस प्रयास की भूरी भूरी प्रशंसा की। प्रेसिडेंट अरुणा सक्सेना ने जेल अधीक्षक, प्रशिक्षक रोहित विनायक और शेखर को स्मृति चिन्ह प्रदान किए और क्लब की ओर से महिला कैदियों को साड़ी वितरित की। इस अवसर पर प्रेसिडेंट अरुणा सक्सेना के साथ एडिटर वंदना श्रीवास्तव, एग्जीक्यूटिव मेंबर प्रीति गिरहोत्रा, आराधना सिंह, मनीषा सक्सेना, मनीषा द्विवेदी, उषा सिंह, चार्टर प्रेसिडेंट नीलम श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहीं। बीसीएन न्यूज के लिए सुधीर राणा की रिपोर्ट। फिलहाल प्रदेश के बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए बीसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।